हेलो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक वाइज में। दोस्तों, लास्ट टाइम जो हमने वीडियो किया था वो था श्लोक्स क्यों ज़रूरी है, और उसका जो ये दूसरा पार्ट है उसमें मैं कोशिश करूँगी कुछ श्लोक्स बताने की और उसके मीनिंग्स के साथ, ताकि आप उस श्लोक के बारे में जानें, उसके मीनिंग्स को समझें और अपने बच्चों को भी सिखाएं या खुद अपने जीवन में भी लाए, ताकि आपके जीवन में और बच्चों के जीवन में शुभ और मंगल। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ इसलिए आपको ये श्लोक्स करने चाहिए। ऐसे तो सभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ श्लोक्स और मोटिवेशनल टॉक्स होते रहते हैं, पर मैं एक ही मोटो के साथ ये वीडियो बना रही हूँ कि आज की नई जनरेशन्स को अगर हम पहले से ये संस्कार दें तो शायद भविष्य में उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा हो, शुभ हो, और उन्हें भी ये एहसास हो कि हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई और ये आज हमारे जीवन को शुभ और मंगल बनाते हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट श्लोक ऑफ मॉर्निंग। दोस्तों, सुबह उठते ही जब हम बेड पे होते हैं तभी सबसे पहले जो हमको श्लोक बोलना है उसके लिए हमको हमारे इन हाथों को बुक की तरह ओपन करना है। हमारे फेस के सामने, हमारे फेस के सामने हम ओपन करेंगे और उसके टॉप के लिए, मिडल के लिए और निचले वाले हाथ के लिए जो भी श्लोक है वो मैं आपको सुनाती हूँ और उसका मीनिंग बताती हूँ। तो श्लोक है, कराग्रेवस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मूले तु गोविंदम प्रभाते करदर्शनम। हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी देवी, हे गोविंदम, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। कराग्रे का मतलब है कर, मतलब हाथ, आग्रे मतलब ऊपर के टिप्स, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब यहाँ टिप्स पे है। लक्ष्मी माँ, मैं आपको आह्वान करती हूँ, आपको निहारती हूँ। कर्मध्ये सरस्वती, कर्मध्ये सरस्वती माता मतलब सरस्वती माता को मैं यहाँ मिडल में निहारती हूँ। कर्मूले तु गोविंदम, गोविंद जी कृष्ण स्वरूप को मैं यहाँ करलाइयों में देखती हूँ। हे सर्व गुरु देव देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। गोविंद सरस्वती देवी और माँ लक्ष्मी जी को मैं सुबह सुबह देखती हूँ, इसलिए आप सभी को देख के मेरा दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद दें। इसलिए सुबह उठ के ही बेड पे से हमें ये देखना है कि हम शुभ और अच्छी चीज़ें देखें ताकि हमारा दिन अच्छा गुजरे। इसलिए हम ये श्लोक बोल के अपना दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके उपरांत भी हमारे आजू बाजू में जो भी हमारे रूम में हमारे भगवान जी हैं उनको देख के भी प्रणाम करें, और उसके बाद जब भी हम दूसरा श्लोक बोलेंगे, जब भी हम हमारे बेड से नीचे उतरेंगे तभी हम हमारे फ्लोरिंग पे या ज़मीन पे पैर रखते हैं, मतलब कि हम पृथ्वी माता के ऊपर हमारे चरण को स्पर्श करते हैं और उसके लिए हमें क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और उसके लिए जो श्लोक है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ और सुना। समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे। इस श्लोक का अर्थ है, समुद्र में बसने वाली हे पृथ्वी माता, आपके पर्वत समान स्तन है और विष्णु प्रिय हैं। हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर मेरे चरण स्पर्श होंगे, मैं आपके ऊपर दिन भर चलूंगी, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। जब भी हम नहाने जाते हैं तो उसके लिए हम श्लोक बोलेंगे कि हमारे नदी के पानी में सारी पवित्र नदियों का जल आ जाए ताकि हमारे शरीर को हम पवित्र कर सकें। सारी नदियों को आह्वान करने के लिए जो श्लोक बोला जाएगा, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा माँ, यमुना जी, गोदावरी और सरस्वती माँ, कावेरी, नर्मदा और सिंधु देवी, हे गौ सर्व नदी, आप सर्व पवित्र है और आप सभी मेरे नहाने के जल में प्रवेश करें ताकि मेरे ये शरीर को हम पवित्र कर सकें। हे माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम। जब भी हम नहा धो के बाहर आते हैं और किचन में खाना पकाने की शुरुआत करते हैं तभी हम अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं।
गणपति जी को याद करेंगे और गैस ऑन करेंगे ताकि हमारे घर में जो भी खाना पके और उसमें श्री गणेश जी का वास हो, हमारे इष्ट देव का वास हो और अन्नपूर्णा देवी का वास हो। इसलिए खाना बनाने से पहले हम जो श्लोक बोलेंगे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धायर्थं भिक्षां देहि पार्वती। हे अन्नपूर्णे देवी, आप सदैव पूर्ण हो, आपके अन्न कोठार सदैव भरे हुए हैं। आपसे कभी भी कोई मनुष्य या जीव जो धरती पर जीवित है वो भूखा नहीं रह सकता। आप हमें ज्ञान और वैराग्य की भी भिक्षा दे, क्योंकि आप शंकर प्रिय हो और आप ही से सब कुछ चलता है। इसलिए हे माँ पार्वती, आप हमें सबको अन्न प्रदान करें, भिक्षा दे और ज्ञान प्रदान करें। दोस्तों, आज के लिए इतने चार मंत्र और श्लोक को ही हम याद करेंगे और अगले वीडियो में हम आगे के सारे श्लोक मैं आपको समझाऊंगी विस्तार से। आई होप आपको ये सारे श्लोक समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। अगर आप चाहें तो इसे सीखें और अपने जीवन में उतारें ताकि ये आपको शुभ और आनंद और मंगलमय आपके जीवन को बनाएगा, आपके लिए अंदर स्फूर्ति लाएगा और आप ये सोचेंगे कि हमने कुछ अच्छा सीखा और हमारे जीवन के लिए ये अच्छा हो रहा है। अच्छी आदतें सबको पसंद आती है। शायद मेरी इस कोशिश से आप भी अपने नए जीवन में नई कोशिश करके अच्छी आदतें डालें। आप में से कुछ लोग करते भी होंगे, ज़रूर है, पर आज की नई जनरेशन के लिए ये वीडियो मैंने खास बनाया है। तो कोशिश करो कि आप उन्हें ये सिखाएं और उनमें भी ये संस्कार डालें ताकि वो अपनी पीढ़ी को भी ये सिखा सके और समझा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद मी इन लेट्स टॉक वाइज विद न्यू वीडियोज़। बाय।